संडे संडे, बहुत से लोग संडे के बारे में पूछ रहे हैं। संडे के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जो मेरे पास अर्ली रिपोर्ट आई है, एडवांस बुकिंग को छोड़ो यार, क्योंकि एडवांस बुकिंग जो भोला का है ना, वो वैसे भी कम हुआ था। वॉकिंग ऑडियंस की वजह से चल रही है ये मूवी, और सिर्फ अजय देवगन के फैंस नहीं, मैंने देखा अब न्यूट्रल फैंस भी इस मूवी को जाने लगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी का भाई किसी की जान आने के बाद भी कुछ लोग जाएंगे। जो लोग अजय के फैंस हैं, जो रमजान की वजह से नहीं जा पाए, शायद वो जाएंगे। क्लियर दिख रहा है, क्योंकि जो लोगों को इतना तो भाई आजकल अकल है कि उनको ये समझ में आता है कि कौन सी मूवी अच्छी नहीं चलती है, चल रही है कौन सी अच्छी। सिंपल बात, एक बात ये शेयर करना वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, क्योंकि पैंडेमिक के बाद, जो कोविड है उसके बाद, कौन सी मूवी सबसे अच्छी गई थी, जो रीमेक है 240 करोड़ अजय देवगन की दृश्यम 2। बाद में सेकेंड नंबर पे आ रही है भोला, 81 करोड़। बात को समझो, बाकी सेल्फी, शहजादा, जर्सी, लाल सिंह चड्ढा, शायद रक्षाबंधन भी रीमेक थी, बच्चन पांडे, भाई क्या चला है? कुछ नहीं चला है, सिर्फ अजय देवगन चला है सिर्फ रीमेक्स के साथ। हाँ, आने वाली बात है किसी का भाई की सीजन, उसको फ्यूचर है, वो पास्ट वाली बातें नहीं, हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। उसका क्या होता है, उसका क्या नहीं होता है, वो वक्त की बात है, वो बाद में समझ में आएगा। हिट गई, फ्लॉप गई, वो बाद में समझ आएगा। पर अजय देवगन रीमेक्स के किंग है भाई, वो हिट भी तो देते हैं, ऐसा नहीं है ये रीमेक्स। हिम्मत वाला को छोड़ दो तो भाई बाकी अजय देवगन ने कभी डिसअपॉइंट किया ही नहीं है रीमेक्स में। तो भाई लोगों को अब समझ में आ गया कि भाई जो यूट्यूबर्स वगैरह जो थे वो निगेटिविटी फैला रहे थे, वैसा नहीं है मूवी में, मूवी अच्छी है, ये लोगों को समझ में आने लगा है। वरना ये कलेक्शन ऐसा नहीं रहता। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना कि जो सैटरडे को 3 करोड़ का अपडेट मुझे मिला है भाई, वो 1.5 करोड़ भी नहीं मिलता, सच बोल रहा हूँ। अगर ये निगेटिविटी वाले लोग, क्योंकि अब जो हॉलीडेज है ना, लोग जाने लगे हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है इतना कि भाई 3 करोड़ वगैरह आने लगा है। अभी तक जिस मूवी का हाल इतना ख़राब इन लोगों ने करके रखा था ना, ये 1 करोड़ के नीचे जाइए जानी चाहिए थी उस एंगल से। 3 करोड़ आया सैटरडे को, मेरे पास अपडेट एट प्रेजेंट 4 नहीं बल्कि 4.5 करोड़ संडे को जा रही है मूवी। इसका 83.5 में आप 4.5 करोड़ ऐड कर लो, 88 करोड़ ये मूवी कर रही है मेरे भाई 18 दिनों में, 18 ही दिन ना, या सोचो भाई मेरे। तो ये एक क्या बोलते, एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है भाई। और सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई हाँ, रीमेक वेल मेड होता है तो अच्छा होता है। और जो डायरेक्शन पे सवाल उठा रहे थे, इतना कलेक्शन हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि अजय देवगन के डायरेक्शन पे आजकल लोगों ने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बिलीव करना शुरू किया है। और वर्ल्ड वाइड जा रही है भाई 117-118 करोड़ पे। ओके, ये संडे का अपडेट है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। डिस्पाइट IPL ये ऐसा होने लगा है, मतलब कल मेरे अकॉर्डिंग मुंबई का मैच है, KKR का मैच है, बड़ी टीमें हैं वो, बट स्टिल ये होने के चांस है कि 4.5 करोड़ जाएगी। यार शेयर करना वीडियो को प्लीज़। संडे का अपडेट था, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही अपडेट्स मैं भोला के दे रहा हूँ। अगर आप, मतलब आप चाहोगे तो मैं दिया करूँगा डेली, पर मुझे लगा कि देखो भाई अभी जो मूवीज चलती है ना उनको ही मैं फॉलो करता हूँ कंटिन्यू। अब किसी का भाई किसी के जान आने के बाद उसको करूँगा फॉलो, भोला को भी करूँगा उस वक्त फॉलो अगर वो थिएटर में होगी तो। पठान को पहले फॉलो किया था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक्टर को ही प्रमोट करता हूँ, अच्छी मूवी होगी तो डेफिनेटली यार मैं सपोर्ट करता ही हूँ। इवन तू झूठी में मक्कार का भी अपडेट्स अभी आए नहीं है, वो कल परसों आएगा कलेक्शन, एक्यूरेट दे दूंगा मैं, हर एक मूवी का देता हूँ कलेक्शन। इट जस्ट कि भोला एट प्रेजेंट उसको मौका है आगे जाने का, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कह सकते हो, मैं लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई अगर अच्छी है तो जाइए, आपको डेफिनेटली, मुझे तो भाई मैंने क्लियर बोला ना, एक्सपीरियंस अच्छा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये OTT पे मत देखना है मूवी को, अभी जाइए क्योंकि पैसा वसूल तो है। शेयर करो यार वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मैंने एक्यूरेट दी है।